नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइस के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आरती नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी चीजें किसी के साथ घट सकती हैं। दरअसल आरती और आरती का पूरा परिवार जबलपुर में रहता था, बड़ी खुशहाली से जी रहा था, उनकी लाइफ में ऐसी कुछ भी गड़बड़ी हुई नहीं थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आरती को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया। आरती बाहर चली गई, यही 12th के बाद चली गई थी। फिर वो लौटी अपने घर सीधे 10 साल बाद। वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, इंदौर में रहकर उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी, वहाँ पे कुछ समय तक जॉब भी की थी और उसके बाद वो जबलपुर वापस लौट गई ये सोचकर कि मैं वहीं पर अपनी अब जॉब करूँगी। घर वालों ने भी उसे ये कहकर बुला लिया कि अब आजा बेटा, यहीं पे थोड़ा सा सेटल हो जाओ और यहीं पे तेरी शादी वादी करवा देंगे। आरती यहाँ पर पहुँच गई, जॉब की तलाश कर रही थी, फिलहाल ज़्यादा समय हुआ नहीं था उसको यहाँ वापस लौटे हुए। एक दिन की बात है, आरती के मम्मी पापा उसको क्या कहते हैं कि बेटा हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, एक रिश्तेदार की शादी में, तो तू रह लेगी ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है कि तू भी चलना चाहती है। आरती बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं रह लूँगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अब इतने साल मैं इंदौर में अकेली रही हूँ, क्या अपने घर में नहीं रह सकती क्या? तो घर वालों ने बोले ठीक है, ऐसा बोल के ना घर वाले निकल गए। एक्चुअली ना घर वाले 2 दिन के लिए शादी में गए हुए थे। एक दिन तो बढ़िया से कटा, उस दिन वो इंटरव्यू वगैरह भी गई हुई थी। अब संडे का दिन था, संडे के दिन सुबह से उठ के उसने थोड़ा टाइम पास करी और ये बहुत लेजी डे था, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत आराम कर रही थी। फिर खाना वाना कुछ बनाई हुई थी वो खा ली और दोपहर के टाइम इसको नींद जैसी आई, तो अपने बिस्तर में बढ़िया, मतलब हॉल में लगा हुआ एक सिंगल बेड का ऐसा बिस्तर जैसा था, उसमें सोने जैसा, बोले एक आफ्टरनून नैप ले लेती हूँ। उसे सोए हुए 5 मिनट हुए नहीं होंगे कि उसके घर के मेन डोर को किसी ने नॉक किया। ये उठी और दरवाज़ा खोल के देखी, बाहर की तरफ कोई भी नहीं, ये शॉक्ड रह गई। लेकिन अचानक से जब नीचे नज़र पड़ी तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि नीचे दरवाजे के जस्ट नीचे एक मोमबत्ती जल रही थी। इसने सोची कि अरे ऐसी मोमबत्ती किसने जला दिया। वो मोमबत्ती को उठाई, बुझाई और बाहर की तरफ ही डस्टबिन रखा हुआ था वहाँ फेंक दी और अंदर आ गई। फिर सोची कि थोड़ा सोती हूँ यार, बहुत लेजी सा, बहुत अजीब सा, एक भारीपन सा, नींद नींद जैसा लग रहा है, वो फिर सोने जैसा करी है। फिर 5 मिनट नहीं हुए, फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ, ढक 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 ढक, फिर से ये दरवाज़ा खोली जाके तो क्या पाई कि फिर से एक कैंडल जली हुई है वहाँ पे। इसका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अभी ये जो कैंडल यहाँ पे दिख रही है वो पिछली वाली कैंडल से थोड़ी बड़ी है और बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई दे रही है, काले रंग की। इसने लाइफ में पहले कभी इतनी बड़ी काले रंग की कैंडल नहीं देखी थी। तुमने देखी हो? नहीं, मैंने काले नहीं, लाल देखी हूँ लेकिन काले नहीं, काले रंग की कैंडल। ये कैंडल थोड़ी अजीब लगी, हाथ लगाऊं नहीं लगाऊं ऐसा सोच रही थी। इसने लात मारी और लात मार के दूर एकदम कैंडल चली गई, एकदम दूर, बहुत जोर से लात मारी। फिर इसने अपना दरवाज़ा बंद करी और सोची कि ये क्या था यार, नींद उड़ गई। उसने सोची कोई मूवी वूवी लगाते थोड़ा टाइम पास होगा। मूवी लगाई, एक गोविंदा की बढ़िया सी फिल्म चल रही थी, उसने मस्त टाइम पास होने लगा उसका और आधे घंटे बीत गए, आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर आधे घंटे बाद उसको प्यास लगी, वो किचन में पानी पीने के लिए गई। किचन में वो फिल्टर से पानी भर ही रही थी कि अब मेन डोर की घंटी बजी, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया नहीं। इसने सोचा कि ये चल क्या रहा है। इसने ग्लास वहीं पर छोड़ी और अपने मेन डोर तरफ गई, दरवाज़ा खोली और इस बार भी वो दोनों कैंडल अपने दरवाजे की एक तरफ दूसरी तरफ ऐसा पाई। वो पहली वाली कैंडल जिसे इसने डस्टबिन में फेंकी थी और वो दूसरी वाली कैंडल जिसे इसने लात मार के फेंकी थी, वो दोनों कैंडल एक एक कोने में लगी हुई है और बिल्कुल दरवाजे के सेंटर में बड़े से रंगोली से लिखा हुआ, रंगोली समझते हो ना क्या होता है, रंगोली जो बनाते हैं, रंगोली से लिखा हुआ है इसे बुझाना मत। इसको लगा ये क्या है यार, ये बहुत जोर से डर गई, कुछ नहीं करी, जोर से दरवाजा बंद करी और एक अजीब सा डर मन में बैठ गया। अपने बिस्तर में आके मतलब ऐसी चादर ओढ़ के ऐसे कुकड़ने जैसी हो गई कि क्या है यार, अब जैसे कि रोना छूटने ही वाला है। 2-3 मिनट हुए हैं, कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अब ये चाह कर भी उठ के नहीं गई कि मैं जाऊं खोलूं देखूं। दरवाजा खटखटाने के साथ अब घंटी भी जोर जोर से बजने लगी और डर मन में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि पूरे घर की लाइट्स भी चली गई, समझ रहे हो। घर की लाइट्स जाने के बाद इनके घर का ऐसा था कि डोरबेल नहीं बजती थी,
लेकिन घर की पूरी लाइट चली गई और डोरबेल बज रही है, दरवाजा खटखटा रहा है, डोरबेल बज रही है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बहुत क्रीपी माहौल हो गया होगा। ये 5 से 7 मिनट तक होते रहा, फिर अचानक से बंद, सन्नाटा, लाइट्स आ गई। उसने सोची कि शायद कोई मस्ती कर रहा है, प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, मोहल्ले पड़ोस का कोई बच्चा है या फिर मेरी कोई पहचान का कोई फ्रेंड वेंड आया होगा और ऐसी हरकत कर रहा है, मैं इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हूँ। ये फिर उठ के गई और दरवाजा खोली, दरवाजे में कोई नहीं था। इसने बोलो जाने दो यार, जाने दो, छोड़ो, मैं किचन में जाती हूँ, कुछ बना के खाती हूँ, कुछ ऐसा नाश्ता जैसे स्नैक्स जैसा, तो टाइम पास भी होगा और दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है वो भी निकल जाएगा। ये किचन में जाके कुछ बनाने लगी, फिर ऐसा लगा कि मेन डोर में किसी ने बहुत जोर से कुछ फेंक के मारा है, बहुत जोर से किसी ने टक्कर मारा है, ऐसा कि डोर टूटते टूटते बचा। ये बहुत जोर से डर गए और गुस्से में धमकते हुए गए और तुरंत अपना दरवाजा खोली, लेकिन इस बार कोई था मेन डोर में और वो कोई और नहीं बल्कि इसके पहचान के ही एक अंकल जी थे जो कि 2 घर बाजू में ही रहते थे। उन्हें ये देख के तुरंत वहां पे चीख के बेहोश हो गई। वो अंकल सिर्फ खड़े खड़े देख रहे थे इसको, मुस्कुरा रहे थे इसको देखकर, लेकिन जैसे इसने वो अंकल को देखी चीख के वहीं पे बेहोश हो गई। दरअसल ये जो अंकल थे, ये जो यहाँ दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में इसको पता चला जब ये इंदौर में रहती थी, इसको ये पता चला था कि अंकल की मृत्यु हो गई और उसी अंकल को दरवाजे पे देखती है। हाँ, तो ये वहीं पे बेहोश हो गए। अब भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ये सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई थी। घर वालों ने किसी रीज़न से संडे को इसको फ़ोन किया, घर वालों का ना संडे की मिड नाइट में आने का प्लान था, इसको फ़ोन किए होंगे, फ़ोन नहीं उठा रही, स्विच ऑफ, मतलब घंटी तो पहले गई, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ चलेगा। अब वहाँ पर शादी में जो घर वाले हैं, मम्मी पापा लोग, उनको टेंशन हुई कि घर पे लड़की अकेली है, मोबाइल स्विच ऑफ कैसे, बोले बीच में ही निकलते हैं। ये लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई, 4-व्हीलर थी इन लोगों के पास, और ये लोग पहुँचे तो क्या पाए कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है। किस्मत से कोई देखा नहीं था कि ये बेहोश पड़ी हुई है ऐसे, किस्मत से कोई चोर वोर की नज़र नहीं पड़ी थी, तो लेकिन फिर भी डर तो गए, तुरंत आए, दरवाज़ा खुला, बेटी बेहोश, तो कोई भी आदमी औरत डर जाएंगे, कोई भी डरेगा, तो घबरा कर तुरंत उसको हाथ वाथ लगाए, पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल लेके गए। उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ये होश में आई, इसने सारी बात बताई। अब सारी बात बताने के बाद इसके मम्मी और पापा और हक्के बक्के रह गए, और जब मम्मी पापा ने एक ऐसी बात बताई उसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा डर गई। बात ये थी कि जिस दिन संडे के दिन ये सब कुछ हुआ ना लड़की के साथ, उस दिन वो जो अंकल जी थे उनकी ना 8वीं, वो क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि, 8वीं पुण्यतिथि थी, और इस बात की जानकारी लड़की को थी ही नहीं कि आज के ही दिन 8 साल पहले अंकल जी खत्म हो गए थे। कमाल की बात यह है कि वो अंकल जी इसके इतने ज्यादा क्लोज थे कि अंकल जी ने ही इसका नाम आरती रखे हुए थे, मतलब एकदम इसके पापा के घनिष्ठ मित्र, ऐसी वाली दोस्ती थी। लेकिन इसको एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम थी। ये सदमे में चली गई, क्या वो अंकल जी मुझसे कुछ बात करने के लिए आए थे? अपनी 8वीं पुण्यतिथि में वो मुझे कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए आए थे क्या? वो अंकल जी का कोई बच्चा नहीं था दरअसल, वो और उनकी पत्नी ही घर पर रहते थे, उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ उनकी पत्नी। फिर भी हुआ सो हुआ, हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हुई और अपने घर को पहुंच गए। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो गया, उसके बाद ये जब भी अपने घर से बाहर निकलती, उस घर की तरफ देखती जहाँ वो अंकल जी रहते थे, तो उस बालकनी में अंकल जी उसको दिखाई देते थे मुस्कुराते हुए, उसी फेस के साथ जिस फेस के साथ मुस्कुराते हुए उस अंकल जी को इसने अपने दरवाजे में देखी थी, डेली वो दिखाई देते। ये बहुत ज़्यादा डरने लगी अब अपने घर से निकलने से, हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, मतलब लगातार ये 7 दिन तक हुआ, उसके बाद ये घबराने लगी कि अभी तक तो अंकल जी सिर्फ बालकनी में अपने ही घर के दिखाई दे रहे हैं, कल को ऐसा हो कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ अंकल मुझे दिखने लगे तो मैं तो हालत ख़राब हो जाएगी, हालत टाइट हो जाएगी। तो वो लड़की ने अपने घर से निकलना बंद कर दी पूरी तरीके से। एक साल तक वो लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकली। सोचो, उसको सनलाइट भी नहीं मिली, क्या कंडीशन हो गई होगी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिली, उनके घर के पीछे की तरफ एक छोटा सा वो था, मतलब वॉशिंग एरिया जैसा जो होता है ना छोटी शहरों में, वहाँ पे उनके घर पे था, वहीं तक निकलती थी, कुछ भी काम रहे, कपड़े वपड़े धोना रहे, कुछ भी ऐसा रहे,
उसके बाद वो बाहर नहीं निकली एक साल तक। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि घर वाले ये भी बोलते, चल बेटा तेरे शादी करा देते। तो जोर जोर से रोने लगती थी कि नहीं, मेरे को अपने घर से बाहर नहीं निकलना। तो घर वाले घबराना शुरू हो गए, एक साल तक ये नोटिस किए। एक दिन लड़की के मामा जी घर पर आए हुए थे। मामा जी ने बोले कि ये ज़्यादा हो रहा है, लड़की के दिमाग में कुछ असर पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग तो इसके साथ हर टाइम रहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आरती अब नॉर्मल नहीं है, उसका आप कुछ करवाओ। तो फिर इसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि इसको आप प्रॉपरली जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास लेके जाओ। तो दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए, बातचीत हुई। तो इसका जो भी सेशन हुआ होगा डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब ने मम्मी पापा को बोले कि देखो दवाई तो मैं दे दे रहा हूँ, इसको जो डिप्रेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसकी मैं दवाई दे रहा हूँ, लेकिन आप जो अपना घर है ना वो शिफ्ट कर लो, भले ही वो आपका खुद का घर हो, उस घर को छोड़ दो। क्योंकि जब तक आप उस घर में रहोगे, इस लड़की के दिमाग में वो डर बैठा रहेगा कि मुझे वो अंकल दिखाई दे रहे। अब देखो मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ आपकी तरह, सिर्फ मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई किया हुआ हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता 100% गारंटी के साथ कि इसकी कोई बीमारी ही है ये, या फिर वो कोई आत्मा ही है, लेकिन जो कुछ भी है वो लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपको लड़की को बचाना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लड़की अपना पूरा दिमागी संतुलन खो देगी। एक साल से घर से बाहर नहीं निकली है बच्ची। बोले ठीक है हम शिफ्ट कर लेते हैं। उसके पापा ने बिल्कुल सही फैसला लिए और उस मोहल्ले से बहुत दूर, अच्छी खासी दूरी पर, मतलब कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर, अपना एक दूसरा घर लिए रेंट पे और वहाँ पर रहना शुरू किए। वहाँ पर भी शिफ्ट होने के लगभग 3 महीने बाद आरती अपने घर से निकलना शुरू करी है और नॉर्मल हुई है। और अभी आरती पूरी तरह से ठीक है। जब आखिरी बार मतलब कैसे बताऊँ, ये लोग जब शिफ्ट हो गए और आखिरी बार आरती घर से निकली होगी, यानी फर्स्ट टाइम नए घर में शिफ्ट होने के बाद, तब टाइम था अगस्त 2022 का। तो अभी लगभग 1 साल हो चुके हैं, अब सब कुछ ठीक है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी आरती की ही एक फ्रेंड सोनल ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। उसने बोली कि आप बताइए, सोनल को भी आरती ने, आरती की मम्मी ने, पापा ने, ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मिलते जुलते रहती थी, तो सब बताए। तो ऐसी स्टोरी थी भाई इसके साथ, जिसको वो खुद नहीं समझ पाई, क्यों मेरा दिमागी प्रॉब्लम था या फिर सचमुच में अंकल की आत्मा मेरे से मिलने के लिए आई हुई थी। वही तो समझना बहुत मुश्किल है कि अंकल उसको सचमुच में दिखाई दे रहे थे या उसके दिमाग पे आखिरी बार जो स्माइल करते हुए देखी थी उसका असर बहुत बुरा पड़ गया था। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि इंसान ना उस सदमे को भुला नहीं पाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें क्रिएट करने लगता है उसका माइंड। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भूत ना होते हुए भी लोगों को भूत दिखाई देता है। स्किज़ोफ्रेनिया, मुझे एक मेल भी आया हुआ था किसी का, जिसमें एक लड़की, लोग कहते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही है, उसे घर वाले, वो डॉक्टर्स 12 साल से, लेकिन वो लड़की ये कहती है कि लोग कुछ भी कहें, मुझे पता है मेरे आस पास आत्माएँ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या कह लेंगे। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहीं पे आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो उम्मीद है उस लड़की ने भी वो कदम उठाया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख और नई जानकारी मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।